आपका डॉक्टर बद्री धनवंतरी फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे, आपके शोल्डर में कौन कौन सी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपको करानी चाहिए। ठीक है, आपको कोई भी आपका फ्रैक्चर का केस हो गया, या आपका डिसलोकेशन का केस हो गया, या आपका फ्रोजन शोल्डर का केस हो गया, या आपका सुपर स्पाइनेटस टेंडनाइटिस का पेशेंट का केस हो गया, या आपका पेरियार्थ्रेटिक शोल्डर का पेशेंट हो गया। ठीक है, तो इसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कैसे करवानी है विद द हेल्प ऑफ थेराबैंड, जो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है डिस्कस करने का आपको क्या क्या चीजें आपको, तो मैं इसमें आपको लाइट थेराबैंड से आपको एक्सरसाइज बताऊंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आप लाइट थेराबैंड से आप कर सकते हो। उसमें क्या करना होता है, आपको लाइटली क्या आपको एक पांव से इसको स्टक करना है, ध्यान रखना है शोल्डर आपका सीधा रहना, देन उसको ऊपर खींचने की कोशिश करना है, जितना ऊपर खींचेंगे और स्लोली नीचे आना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज के आपका फ्लेक्शन का स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराओगे, लेकिन फ्रोजन शोल्डर में अगर एक्सरसाइज करवाते हो ये सब, तो आपको इंफ्लेमेटरी फेज आपका खत्म हो जाए, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज करवानी है। ठीक है, तो ये आपको ऊपर लेके गए एंड देन रिलैक्स, कभी झटके से नहीं छोड़ना, क्योंकि आपको टेंडन इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। तो थेराबैंड से फर्स्ट आपको क्या कराएगा, फ्लेक्शन को प्रिवेंट कराएगा, फ्लेक्शन की मूल्टी बढ़ाएगा, उसके बाद अब्डक्शन के लिए, अब्डक्शन के लिए क्या है, ऊपर लेके गए और रिलैक्स नीचे आए। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपका अब्डक्शन को इंप्रूव करेगा। ठीक है, तो आपका फ्लेक्शन और अब्डक्शन का हो गया। आपको घर में टाई करना है, ठीक है, थेराबैंड किसी से टाई करके एंड देन उसको पीछे लेके जाना है और वापस। ठीक है, तो ये आपको शोल्डर एक्सटेंसर मसल की स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। ठीक है, इससे आपका शोल्डर एक्सटेंसर जो भी मसल है उसका स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। ठीक है, कहूंगा शोल्डर इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन के लिए। ठीक है, तो एक्सटर्नल रोटेशन के लिए आपको खड़े हो जाइए, उसके बाद आप इसको बाहर लेके जाइए, तो ये आपका एक्सटर्नल रोटेशन को की मसल्स की स्ट्रेंथ करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपका एक्सटर्नल रोटेशन की मसल का स्ट्रेंथनिंग कराएगा। इंटरनल रोटेशन के लिए आपको करना है तो आपको साइड हो जाइए एक और अगेन अंदर को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये क्या है आपका इंटरनल रोटेशन को इंप्रूव करेगा। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।